नमस्कार, SS News 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक्सक्लेमेशन मार्क। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने वाहन चोरी करने वाली गैंग की वारदातों का किया खुलासा। कुल 32 मोटरसाइकिल एवं 2 चार पहिया वाहन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक्सक्लेमेशन मार्क। पुलिस उपायुक्त पश्चिम थानाधिकारी कालवाड लोकपाल प्रोबेशनर ने अच्छा काम किया और इसे भी इनकी टीम ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो मुंडिया रामसर थाना भाकुड़ा इलाके के रहने वाले हैं। इनके अभी तक निशादेही से इनकी सूचना के ऊपर कुल 23 वाहन बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 21 मोटरसाइकिल और 2 दुपहिया 4 पहिया वाहन हैं। ये दोनों जो अपराधी हैं, इनका मुख्य मोडस ऑपरेंडी रहती है कि ये ऐसे स्थानों से वाहन चोरी करते हैं जहाँ थोड़ी भीड़भाड़ कम हो, और वहाँ से चोरी करके वाहनों को ये पार्किंग स्थल पर खड़ा कर देते हैं और पार्किंग स्थल पर बाद में ले जा करके इनको आगे डिस्पोजल कर देते हैं। वर्तमान में जो वाहन बरामद हुए हैं, ये सभी वाहन विभिन्न पार्किंग स्थलों पर खड़े किए गए थे, और ये जो वाहन चोर हैं इनको फिर वाहनों को अन्य किसी गिरोह जो चोरी की वाहन खरीदता है उनको आगे बेच दिया करते थे। वाहन चुराने का तरीका इनका बड़ा सरल था। ये वाहन के लॉक को डुप्लीकेट की से या किसी भी चाबी से बड़ी सरलता से खोल लेते हैं और उसके बाद ये उठा के ले जाते हैं। इसी के साथ थाना बगरू के अंदर भी अच्छी कार्रवाई की गई है।